What's up guys, this is Rajdeep and welcome back to another vlog. And basically अभी मैं कैमरा का एंगल टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉग में मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने बोला था मेरा जो कैमरा का एंगल है वो ठीक नहीं है, हाथ मतलब प्रॉपरली दिख नहीं रहा है. सो आज मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अपना कैमरा का जो एंगल है वो चेक करने के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ. भाई धूप देखो आज. तो बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ धन्नो को वॉश करवाने, क्योंकि बहुत दिनों से वॉश नहीं किया है एंड सरलपरा से आने के बाद से बहुत ही गंदा हो चुका है. एज यू नो सरलपरा का रोड पूरा स्लैशी था, इसलिए पूरा गंदा हो चुका है. तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ धन्नो को वॉश करवाने एंड मेरा थोड़ा काम भी है, सो उसको भी करवा लेंगे साथ में. देखो ये सबको रोड कैसे पार करते हैं. एक्चुअली आज मैं डिफरेंट हेलमेट भी यूज कर रहा हूँ, सो उसकी वजह से भी मुझे आइडिया नहीं मिलेगा कि व्यू एंगल कैसा आ रहा है. अभी तो फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जब एडिटिंग में बैठूंगा तभी पता चलेगा आज व्यूइंग एंगल कैसा था. एक्चुअली आज व्यूइंग एंगल ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि मैंने गोप्रो का एक सेटिंग जो था उसको ऑन करके रखा था, जिसकी वजह से मतलब एंड यहाँ पर देखो पूरा चेकिंग वेकिंग हेलमेट का. मेरे पास तो हेलमेट है तो निकल जाते हैं एंड इधर देखो जिसके पास हेलमेट नहीं है इधर से रिटर्न चला जा रहा है. गोप्रो में एक सेटिंग होता है, मैं यूज़ करता हूँ गोप्रो हीरो 9, सो वहाँ पर एक सेटिंग होता है हाइपर स्मूथ बोल के, उसको मैंने ऑन करके रखा था. मैं सोचा था थोड़ा स्मूथ होगा वीडियो, स्टेबलाइज्ड होगा, सो जिसके वजह से उसको ऑन करने के वजह से मतलब थोड़ा पोर्शन ना क्रॉप हो जाता है वीडियो का, वो मुझे मालूम नहीं था. लास्ट वाले ब्लॉग मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि मेरा थोड़ा जो कॉकपिट व्यू है बाइक का उसका ठीक ठाक व्यू नहीं आ रहा है. सो मैंने थोड़ा आज सुबह चेक किया गोप्रो का सेटिंग्स, तो मैंने देख वहाँ पर एक ऑप्शन से हाइपर स्मूथ बोल के, तो उसको मैंने ऑन करके रखा था, जिस व्यूइंग एंगल थोड़ा क्रॉप हो रहा था जिसकी वजह से सिर्फ मेरा जो डैशबोर्ड है बाइक का वही दिख रहा था. थोड़ा इधर से शॉर्टकट लेके जाता हूँ, टाउन में पूरा ट्रैफिक है आज. एंड आई डोंट नो आज माइक का क्वालिटी भी कैसा आ रहा होगा. मैं आज अपना पुराना वाला हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सोर का हेलमेट था मैंने कल उसको वॉश में दिया था एंड कल वॉश में देने के बाद ही मतलब पूरा बारिश था, धूप निकला ही नहीं, जिसके वजह से आज मैंने जब चेक किया अभी तो सूखा ही नहीं. सो इसके वजह से मैं जो पुराना वाला हेलमेट था मेरा उसमें ऑलरेडी एमसील से मैंने माउंट लगाई हुआ था, सो उसमें आज मैं मोटो ब्लॉक कर रहा हूँ. जो माइक है ना वो मेरे मुँह के सामने नहीं है, थोड़ा साइड में है, क्योंकि स्टील बर्ड का जो हेलमेट है उसको उसमें माइक को सामने रखने का कोई जगह नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने साइड में रख दिया. पता नहीं साउंड कैसा आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो लास्ट वाले जो भाई है जिसने मुझे कमेंट करके बोला था एंगल के बारे में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी एंगल कैसा है प्लीज लेट मी नो. एंड जस्ट 10 मिनट हुआ है घर से निकला एंड पूरा मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ, और ऐसा जो धूप आप देख रहे हो ना इसको देख के कौन बोलेगा. मेरे घर से निकलने से 10 मिनट पहले पूरा बारिश जैसा हाल था एंड कुछ कुछ एरिया में कोकराझार में बारिश भी हो रहा था. इस वाइजर में आप लोगों को थोड़ा सा विंड नॉइज मिलेगा, क्योंकि नीचे से पूरा खाली है वाइजर. एंड आ चुके हैं वॉशिंग सेंटर पे, यहाँ से कर लेते हैं बाइक का वॉश. सो गाइस इसके बाद का जो सारा क्लिप्स था उसमें इतना विंड नॉइज आया था कि मैं अभी उसको ब्लॉग में डाल नहीं सकता. तो अभी 2 दिन बाद मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रहा हूँ एंड मुझे पता चला बहुत ही विंड नॉइज आया था, जिसकी वजह से मैं वो वाला क्लिप नहीं डाल सकता. एंड गाइस 2 दिन से मैं बाहर नहीं निकला क्योंकि बहुत ही धूप था एंड यू नो इतना धूप में मोटो ब्लॉग करना मतलब इम्पॉसिबल बात है. सो 2 दिन से मैं घर में ही था, आज जाके थोड़ा टाइम मिला एंड मैं जब एडिट कर रहा था तब देखा सारा फुटेज बर्बाद देंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मैडम बोल रही थी बाहर लेके, जिसकी वजह से आज सोच रहे कि बाहर कहीं पर घूमने जाएंगे. अभी तक मैडम घर पर आई नहीं स्कूल से, सो आने के बाद डिसाइड करते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे. तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद. अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम के साथ, बहुत दिनों बाद घूमने निकले हैं. ये मेरी पतिदेव जी घुमाने ले आए हैं. बहुत दिनों बाद हम कहाँ आए हैं, हम आए हैं घर के सामने गोरंग पार्क में. दे दो मेरा आइसक्रीम अभी. तो गाइस बेसिकली टाइम हो चुका है 6:02 एंड शाम होने को है एंड हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चिल करेंगे अभी, क्योंकि 7 बजे तक पार्क बंद हो जाता है, तो 7 बजे तक एटलीस्ट रहेंगे. एंड इधर है मैडम, बहुत दिनों बाद एक साथ निकले हैं घर से, टाइम एडजस्ट नहीं होता है दोनों का. मैं आने के टाइम में मोटो ब्लॉग नहीं किया क्योंकि घर के बहुत सामने है, 1.5 किलोमीटर ऐसा होगा, तो इसलिए मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट आके आप लोगों को ये वाला जगह दिखा रहा हूँ.
झूला झूलने। सो ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हो चुका है 6:38 एंड सनसेट ऑलरेडी हो चुका है एंड मैडम को झूले से आने का मन ही नहीं कर रहा था। सो अभी चलते हैं यहाँ से क्योंकि अंधेरा होने वाला है एंड 7 बजे तक पार्क खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। आई नो ब्लॉग बहुत सिंपल बन चुका है, सो एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय बाय।